हमारी आज की स्टोरी अब तक हमने जितनी स्टोरीज कवर की है उनमें सबसे ज़्यादा ब्रूटल और हॉरिफिक होने वाली है, और इस स्टोरी को हम दो पार्ट में कवर करेंगे, जहां आज हम बात करेंगे पार्ट वन के बारे में। ये स्टोरी शुरू होती है 1979 में, जहां ये दोनों आदमी बहुत ही प्राउडली साउथ कैलिफोर्निया में घूमा करते थे, और ये लोग छोटी लड़कियों को और औरतों को टारगेट करते थे उनका रेप करने के लिए, उन्हें टॉर्चर करने के लिए, फिर उन्हें मार देने के लिए। वो लोग ये काम इस क्रीपी सी वैन में करते थे जो कम्प्लीटली साउंड प्रूफ थी, और उस टाइम पर ये ऐसी औरतों को ढूंढा करते थे जो कि अकेले घर जाती थी, और इनका नाम था द टूल बॉक्स किलर। इन्हें ये नाम इस वजह से मिला था क्योंकि ये अपनी गाड़ी में एक टूल बॉक्स रखते थे जिनके इंस्ट्रूमेंट्स का यूज ये उन औरतों को टॉर्चर करने के लिए और मारने के लिए करते थे। इन दोनों का नाम है लॉरेंस बिटेगर और रॉय नॉरिस, और ये इस काम की शुरुआत अपने 30s से करना स्टार्ट करते हैं। इस स्टोरी को अच्छे से समझने के लिए हम इस स्टोरी की शुरुआत इनके अर्ली चाइल्डहुड से करेंगे, ताकि हम इनके लाइफ को एक बेटर वे में समझ पाए। और हम में से ज़्यादातर लोगों के लिए ये काफ़ी हैरानी वाली बात होगी कि इतने साइकोटिक तरीके से मारने वाले लोग भी एक टाइम पर कभी इनोसेंट से बच्चे हुआ करते थे। लॉरेंस बिटेगर, क्योंकि स्टोरी का मेन कैरेक्टर है, हम शुरुआत उससे करेंगे। उसका जन्म पिट्सबर्ग पेंसिल्वेनिया में हुआ था September 27, 1940 को। उसके जन्म के कुछ टाइम बाद ही उसकी फैमिली ने उसे एक ऑर्फनेज में छोड़ दिया था ताकि कोई फैमिली आए और उसे अडॉप्ट कर ले। उस ऑर्फनेज में छोड़ने के कुछ टाइम बाद ही एक फैमिली उसे अडॉप्ट कर लेती है जो कि यूएस में काफी ज्यादा मूवमेंट करती थी, जिस वजह से उसे कभी स्टेबल होम नहीं मिला। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ उसने अपना बचपन ऑलमोस्ट 4 states में बिताया, जहाँ वो फाइनली कैलिफोर्निया में सेटल हो जाता है 1957 में। उस टाइम पर वो 17 साल का था, और लॉरेंस अपने हाई स्कूल से ड्रॉप आउट लेता है, और उस टाइम पर र्यूमर ऐसे भी थे कि लॉरेंस का आईक्यू काफ़ी ज़्यादा हाई था, पर वो सोशली लोगों से बात करने में काफ़ी ज़्यादा घबराता था। इसी साल लॉरेंस को अरेस्ट कर लिया जाता है हिट एंड रन के लिए, ऑटो थेफ्ट के लिए, और कई ऐसे ही छोटे क्राइम के लिए जो कि उसने लॉन्ग बीच कैलिफोर्निया में किया था, जहाँ उसके बाद उसे कैलिफोर्निया यूथ अथॉरिटी को दे दिया जाता है 2 साल के लिए। 1959 में लॉरेंस फिर से रिलीज किया जाता है, जिसके बाद वो सारे काम वापस से शुरू करता है, जिसमें से ऑटो थेफ्ट करने के बाद उसे 18 महीनों के लिए ओक्लाहामा फेडरल रिफॉर्मेटरी में भेज दिया जाता है। लॉरेंस इसके बाद भी अपने क्राइम को कंटिन्यू रखता है, और उसे कई बार उसके टीनेज में जेल में डाला जाता है और फिर रिलीज कर दिया जाता है। इसमें से कई सारे क्राइम में रॉबरी और ऐसे ही छोटे मोटे क्राइम्स थे जिसके लिए उसे कन्विक्ट किया गया था। जब वो जेल में था उस टाइम पर साइकाट्रिस्ट उसे डायग्नोस करते हैं बॉर्डरलाइन साइकोसिस से, जो ये बताता था कि उसका अपने इम्पल्स पे काफ़ी खराब कंट्रोल था, और वो बहुत ही मैनिपुलेटिव इंसान था, जिस वजह से उसे कई सारी दवाइयाँ दी गई थी जिस दौरान वो जेल में रहा था। इसके बाद लॉरेंस को अरेस्ट कर लिया जाता है 1974 में, जहां वो एक ग्रोसरी स्टोर के एम्प्लॉय को स्टैब करने की कोशिश करता है जब वो 34 साल का होता है। इसके बाद उसे कन्विक्ट कर दिया जाता है, और वो कैलिफोर्निया मेंस कॉलोनी में भेजा जाता है, जहां वो अपने पार्टनर रॉय ल्यूविन नॉरिस से मिलता है। इसके बाद 1978 में जब वो 38 साल का होता है और वो अपने पार्टनर से मिलता है, तो ये दोनों काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाते हैं, और ये लोग अपनी फैंटेसीज को शेयर करते थे, जहाँ ज़्यादातर फैंटेसी रेप और औरतों को टॉर्चर करने से रिलेटेड होती थी। ये दोनों प्लान बनाते हैं कि जब ये लोग जेल से बाहर जाएंगे तो ये लोग
इस काम को एग्जीक्यूट करेंगे। और उस टाइम पर इन लोगों को ये चीज़ सोच के बहुत मज़ा आता था। रॉय नॉरिस जो कि हमारी कहानी का दूसरा कैरेक्टर है, उसका भी बचपन बिटेकर जैसा ही रहा था और उसका जन्म फरवरी 2, 1948 को हुआ था ग्रीनली कोलोराडो में। उसके फादर एक स्क्रैप यार्ड में काम करते थे और वहीं उसकी माँ एक हाउसवाइफ थी जो कि ड्रग एडिक्शन से डील कर रही थी। क्योंकि नॉरिस का बचपन काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल था तो इसलिए उसकी फैमिली कंडीशंस की वजह से उसे फॉस्टर होम्स में आते जाते रहना पड़ता था। और वो ये भी क्लेम करता है कि एक बच्चे के तौर पे उसे काफ़ी ज़्यादा निग्लेक्ट किया गया, उसके कपड़ों को लेकर के, उसके खाने को लेकर के। और वो ये भी क्लेम करता है कि वो विक्टिम रहा था सेक्सुअल अब्यूज का जब वो एक फॉस्टर फैमिली में अपना टाइम बिता रहा था। इसके एक साल के बाद नॉरिस ड्रॉप आउट करता है हाई स्कूल से और वो यूएस नेवी को ज्वाइन करता है, जिसके बाद उसे पोस्ट किया जाता है सैन डियागो में 1965 से 1969 तक। बिटेकर की ही तरह नॉरिस अपने क्राइम की शुरुआत अपने टीनेज में करना स्टार्ट कर देता है, जिसके बाद उसे कई बार अरेस्ट किया जाता है रेप के लिए और ज़्यादातर क्राइम उसके रेप रिलेटेड ही रहे थे। साल 1969 में अरेस्ट करने के कुछ टाइम बाद ही जब उसे रिलीज किया गया, इस इंसिडेंट के 3 महीने बाद वो फिर से एक औरत को मोलेस्ट करने की और उसका रेप करने की कोशिश करता है, पर लकीली वो औरत पुलिस को कॉल करके बुला देती है, जिसके बाद नॉरिस को डॉक्टर्स इवैल्यूएट करते हैं और साइकोलॉजिस्ट उसे डायग्नोस करते हैं सीवियर स्किज़ोइड पर्सनालिटी से, जिसके बाद उसे एडमिनिस्टर्ड किया जाता है और उसे डिस्चार्ज कर दिया जाता है नेवी से। पर इसके बाद भी नॉरिस यहीं पर नहीं रुकता और वो अपने रेप करने के टेंडेंसी को आगे लेके जाता है। मई 1970 को नॉरिस बेल पर बाहर था, पर वो अभी भी यूनिवर्सिटी कैंपस में किसी विक्टिम की तलाश में घूम रहा था। इसी दौरान नॉरिस एक फीमेल स्टूडेंट को अटैक करता है और उसके सर पे पत्थर से मारता है तब तक जब तक वो अनकॉन्शियस नहीं हो जाती। इसके बाद वो लड़की जमीन पर गिर जाती है, पर बाकी के लोग उसे देख लेते हैं ये करते हुए और 1970 में उसे फिर से कन्विक्ट के तौर पर जेल में भेज दिया जाता है कैलिफोर्निया मेंस कॉलोनी में, जहां वो अपने सोलमेट लॉरेंस बिटेकर से मिलता है 1978 में। नॉरिस और लॉरेंस एक दूसरे से मिलते ही काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड हो जाते हैं कैलिफोर्निया मेंस कॉलोनी में। और नॉरिस के अकॉर्डिंग बिटेकर ने उसे 2 बार बचाया था जेल में, जहां दूसरे जेल के जो कन्विक्ट्स थे उन्होंने नॉरिस को मारने की कोशिश की थी और ये दोनों काफ़ी ज़्यादा अच्छे बॉन्ड में चले गए थे एक दूसरे के साथ, क्योंकि इन दोनों की फैंटेसी रेप करने से रिलेटेड थी और ये लोग हमेशा जेल में बैठकर रेप करने के और औरतों को मारने के प्लान के बारे में बात किया करते थे। और जहां इन दोनों को काफ़ी ज़्यादा हेट्रेड था औरतों को लेकर के, इन दोनों ने प्लान बनाया कि ये लोग टीनेज की जितनी भी लड़कियां हैं जो कि 13 साल से लेकर के 19 साल तक की एज की हैं, ये उन्हें एक एक करके उनके एज के अकॉर्डिंग मारेंगे और ये 13 से लेकर के 19 ईयर्स तक की एज तक चलने वाला था। अक्टूबर 15, 1978 को बिटेकर को रिलीज कर दिया जाता है, जहां वो लॉस एंजलिस चला जाता है। इसके बाद वो एक मशीनरी साइट पर एज अ वर्कर काम करना स्टार्ट कर देता है और वो इस टाइम पर थोड़े बहुत पैसे कमा ले रहा था और वो एक पुराने से मोटेल में रह रहा था जो कि बर्बैंक के पास था। इस टाइम पर वो काफ़ी ज़्यादा मैरुआना भी स्मोक किया करता था और वो सोशल इवेंट्स पे काफ़ी ज़्यादा बियर वगैरह भी पीता था, जो कि वो बताता है कि उसे हेल्प करता था छोटी लड़कियों से बॉन्ड करने में। उसके नेबर्स के अकॉर्डिंग वो बताते हैं कि वो काफ़ी जेनरस सा आदमी था जिसे लोगों की हेल्प करना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता था। और रिमर तो ये भी है कि उस टाइम पर वो एक टीन लड़की जो कि प्रेग्नेंट हो गई थी उसे काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, उसे खाना देने में, उसे पैसे देने में और उसकी बाकी की प्रेगनेंसी के जितने भी खर्चे होते हैं उनमें।
ये सारी चीजें उसके चाइल्डहुड को बताती हैं। इन सब चीजों के दौरान 3 महीने बाद नॉरिस को भी रिलीज कर दिया जाता है जेल से, जहां वो रेंडोंटो बीच चला जाता है अपनी माँ के पास रहने। इसके 1 महीने बाद वो फिर से एक औरत का रेप करता है और उसे डेजर्ट में मरने के लिए छोड़ देता है। नॉरिस को इसके बाद एज अ इलेक्ट्रीशियन काम मिल जाता है और ये दोनों एक दूसरे से लेटर्स के थ्रू कनेक्ट करते थे। इसके बाद ये दोनों उसी मोटल में मिलते हैं लॉस एंजलिस में, जहां ये लोग प्लान करते हैं अपने आगे के काम को। बिटेकर और नॉरिस ऑर्गेनाइज करते हैं इंस्ट्रूमेंट्स को जो कि वो यूज करने वाले थे अपने किलिंग्स के दौरान। इस टाइम पर इन लोगों को ये लगा था कि ये जो क्राइम करने वाले हैं इससे ये आसानी से निकल जाएंगे और इन्हें कभी कोई नहीं पकड़ पाएगा। वो इस चीज को लेकर के काफी ज्यादा डिटरमाइंड थे कि उन्हें एक ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ेगी और एक ऐसी जगह जहां वो रेप को परफॉर्म कर सके। बिटेकर प्रपोज करता है कि उन्हें एक वैन की जरूरत होगी जो कि आसानी से खुल जाए और वो लड़कियों को उसमें रख सके बिना किसी हेजिटेशन के। इसके बाद वो एक सिल्वर कलर की वैन को चूज करते हैं जिसकी एक साइड पर कोई भी विंडो नहीं थी, और इस वैन को वो काफी ज्यादा साउंड प्रूफ बनाने की भी कोशिश करते हैं ताकि कोई भी उन लड़कियों के चिल्लाने की या उनकी आवाज को बाहर ना सुन सके। और इस वैन को वो नाम देते हैं मर्डर मैक। वो इसमें एक बेड भी इंस्टॉल करवाते हैं ताकि वो अपने काम को इजीली कर सके। जून 24, 1979 को ये लोग अपने फर्स्ट विक्टिम को क्लेम करते हैं, जहां इनकी पहली विक्टिम थी लुसिंडा लिन जो कि सिर्फ 16 साल की थी। लुसिंडा 7:46 PM पे इन लोगों को मिलती है, जहां वो अपने घर जा रही थी अकेले। वो अपने घर के रास्ते में ही थी और ये चर्च से वापस आ रही थी। उस टाइम पर रॉय और लॉरेंस उस एरिया में ही थे और ये लोग वहां सुबह के 11 बजे से घूम रहे थे, जहां ये लोग बियर पी रहे थे और लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर रहे थे। जैसे ही ये लोग लुसिंडा को देखते हैं, ये लोग अपनी वैन को साइड में उसके पास लगाते हैं और उसे मैरुआना ऑफर करते हैं और उसे एक लिफ्ट भी ऑफर करते हैं। पर लुसिंडा इस चीज से नहीं मानती है और वो अपने रास्ते चलने लगती है। तभी नॉरिस उतरता है और वो लुसिंडा को जबरदस्ती वैन में बैठाता है और वो गेट बंद कर देता है, जिसके बाद बिटेकर गाड़ी चलाना स्टार्ट कर देता है और वो स्पीकर को भी फुल वॉल्यूम पे कर देता है ताकि लुसिंडा की आवाज किसी को भी सुनाई ना दे। इधर नॉरिस लुसिंडा के हाथ पैर बांध देता है और उसके मुंह में कपड़ा डाल देता है ताकि वो चिल्ला ना पाए। बिटेकर इसके बाद उन लोगों को एक पुराने स्पॉट पे लेके जाता है जहां वो बचपन में कई बार गया था अपनी पहली गर्लफ्रेंड के साथ। ये जगह थी सैन गैब्रियल माउंटेन, और ये जैसे ही उस जगह पे जाते हैं ये लोग एक साइड रोड लेते हैं, जहां इन्होंने गेट पे लगे ताले को तोड़ करके अपना ताला वहां पे लगा दिया था ताकि ये उस स्पॉट को कम्प्लीटली यूज कर सके। बिटेकर बताता है कि लुसिंडा के चेहरे पे काफी ज्यादा सेल्फ कंट्रोल था और वो काफी ज्यादा कंपोज थी सिचुएशन को लेकर के। उसे समझ आ रहा था कि आने वाले सिचुएशन क्या होने वाली है, और बिटेकर के अकॉर्डिंग उसने कोई भी आंसू या कोई भी रेजिस्टेंस नहीं दिखाया और वो कंसर्न नहीं थी अपनी सेफ्टी को लेकर के। उसे पता था कि आगे क्या होने वाला है। इसके बाद वो लोग उसे उस जगह पर लेके जाते हैं। बिटेकर इस स्टेटमेंट को इस वे में बताता है कि उसके अकॉर्डिंग ये चीजें उतनी ज्यादा खराब नहीं थी जितना रियलिटी में ये सिचुएशन बाकी लोगों को दिख रही थी, और उसे वो अपने सेल्फ डिफेंस के तौर पे यूज करता है। उस रात को ये लोग टर्न्स लेते हैं लुसिंडा का रेप करने के लिए, और ये लोग मल्टीपल टाइम्स उसका रेप करते हैं उसी वैन में। और वहीं जब एक रेप कर रहा होता था तो दूसरा इंसान बाहर में देख रहा होता था कि कहीं कोई आ तो नहीं रहा उस सड़क पे। जब वो लोग आराम से लुसिंडा का रेप कर लेते हैं, इसके बाद ये लोग डिसाइड करते हैं कि इन्हें लुसिंडा को जाने देना चाहिए या उसे मार देना चाहिए। लुसिंडा नॉरिस से भीख मांगती है कि उसे मारने से पहले वो एक बार प्रेयर करना चाहती है भगवान के आगे, जिस पर नॉरिस उसकी आंखों में देखता है और वो कहता है
कि नहीं, यहाँ पर सिर्फ शैतान रहते हैं। नॉरिस उसके बाद लुसिंडा को उसका गला दबाकर मारने की कोशिश करता है, पर वो उसकी आंखों में जो लुक होता है उससे काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है और वो उसे वहीं छोड़कर वैन के आगे वॉमिटिंग करना स्टार्ट कर देता है और वो बिटेकर को कहता है कि वो नहीं कर सकता, जिसके बाद बिटेकर उसकी जगह लेता है और वो कुछ ऐसा करता है जो कि इंसान के तौर पर इससे घटिया कुछ भी नहीं हो सकता। वो एक मेटल हैंगर लेता है, उसे लुसिंडा के गले पे लगाता है और एक प्लायर से उसे तब तक घुमाते रहता है जब तक वो एक सिक्के के साइज का नहीं हो जाता। इसके बाद ये लोग उसकी बॉडी को रैप करते हैं शावर कर्टन में और उसे डिस्पोज कर देते हैं उसी सैन गैब्रियल माउंटेन में, और ये करने के बाद वो लोग वहां से चले जाते हैं। इस इंसिडेंट के 2 वीक बाद ही ये अपने नेक्स्ट विक्टिम की तलाश में होते हैं और इनकी नेक्स्ट विक्टिम थी 18 साल की एंड्रिया जॉय हॉल। जुलाई 8, 1979 को एंड्रिया पैसिफिक कोस्ट हाईवे पर हिच हाइक के तौर पर लिफ्ट ढूंढ रही थी। अब हिच हाइक, जिन लोगों को नहीं पता, ये ऐसे लोग होते हैं जो कि रैंडमली किसी भी आने वाली गाड़ी से लिफ्ट मांगते हैं। उस टाइम पर ये दोनों रोडोंटो बीच जा रहे थे और जैसे ही ये लोग एंड्रिया को देखते हैं, ये लोग उसके पास जाकर गाड़ी रोकते हैं और उसे कोल्ड ड्रिंक ऑफर करते हैं अपनी वैन से। जैसे ही वो कोल्ड ड्रिंक लेने उनकी वैन के पास आती है, नॉरिस गाड़ी से उतरता है और वो उसे गाड़ी में ज़बरदस्ती बैठा लेता है और इसके बाद वो उसके हाथों को उसके पीछे बांध देता है और उसके भी मुंह में कपड़ा डाल देता है ताकि वो चिल्ला ना पाए। इसके बाद वो उसे सैन गैब्रियल माउंटेन लेके जाते हैं जहां उन्होंने अपनी पहली विक्टिम के साथ रेप किया था और उसी की तरह वो फिर से कई बार उसका रेप करते हैं। इसके बाद वो उसे अपनी सेकेंड लोकेशन पे लेके जाते हैं जो कि उन्हीं माउंटेन्स का डीपर सेक्शन था, जहां फिर से उसका रेप करने के बाद उसके कई सारे फोटोज लेते हैं। और ये बिटेकर इसलिए करता था क्योंकि वो ये चाहता था कि वो अपनी पूरी लाइफ उस मोमेंट को वापस से रिलीव कर सके और ये फोटोज अपने में काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग। उस टाइम पर ये इस लोकेशन पे आने के बाद थर्ड लोकेशन पे जाते हैं जहां नॉरिस एक लीकर शॉप पे उतरता है बियर लेने के लिए और वो जैसे ही ये कर रहा होता है तभी इधर बिटेकर एंड्रिया की कई सारी और फोटोज ले रहा होता है वैन में। इनमें से सबसे जो ब्रूटल इंसिडेंट है वो ये है कि उस टाइम पर बिटेकर एंड्रिया को कहता है कि वो उसे मारने वाला है और वो जैसे ही ये बात कहता है उसी टाइम वो एंड्रिया का एक्सप्रेशन एक फोटो में कैप्चर करता है जो कि पुलिस वालों के अकॉर्डिंग आज तक का सबसे ज्यादा ब्रूटल काम था किसी भी केस में। बिटेकर के अकॉर्डिंग उसने ये काम इसलिए किया था क्योंकि वो उसके एग्जैक्ट एक्सप्रेशन को हमेशा रिलीव करना चाहता था। नॉरिस इसे डिस्क्राइब करता है एंड्रिया की आंखों में जो आने वाली सिचुएशन को लेकर के जो एक्सेप्टेंस था वो वर्ड्स के बियॉन्ड था। टेकर के अकॉर्डिंग वो चाहता था कि एंड्रिया उससे भीख मांगे कि वो उसे उसकी लाइफ वापस दे दे, कि एंड्रिया उसे रीजंस दे कि उसे क्यों छोड़ देना चाहिए और उसे मारना नहीं चाहिए उनकी बाकी विक्टिम्स की तरह। इस कन्वर्सेशन को करने के दौरान ही बिटेकर अपनी ब्रुटैलिटी की लिमिट क्रॉस कर देता है और वो एक आइस पिक लेता है, उसे एंड्रिया के कान के एक साइड डालता है और वो इतनी जोर से इस काम को करता है कि वो आइस पिक सीधे एंड्रिया के ब्रेन में लगता है। किसी इंसान को मारने का सबसे दर्दनाक तरीका है, जिसके बाद वो उसे तब तक उसके कान में डाल के रखता है जब तक उस आइस पिक का हैंडल टूट नहीं जाता। इसके बाद भी बिटेकर वही नहीं रुकता और वो एंड्रिया को उसका गला दबाकर मारने की कोशिश करने लगता है, जिसके बाद वो अपना पूरा दम लगाकर उसका गला दबाता है और इसके बाद वो उसे उसी पहाड़ से धक्का दे देता है जहां बाद में पुलिस को उसकी बॉडी मिलती है और उस बॉडी के स्कल में अभी भी आइस पिक लगा हुआ था। इस इंसिडेंट के 2 महीने बाद सितंबर 3 को ये लोग अपने थर्ड विक्टिम की तलाश में जाते हैं जहां बिटेकर और नॉरिस 2 छोटी लड़कियों को स्पॉट करते हैं जो कि हरमोसा बीच के एक बस स्टॉप पे थी, जिसमें से एक की एज 13 साल थी वहीं दूसरे की एज 15 साल की थी।
ये लोग इन लड़कियों को एक राइड ऑफर करते हैं जो कि ये लड़कियां एक्सेप्ट कर लेती हैं। इसके बाद ये लोग एक बीच पे जाते हैं और जैसे ही बिटेकर इन लड़कियों को लेकर जा रहा होता है, ये लड़कियां नोटिस कर लेती हैं कि ये लोग गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं और ये लोग पैसिफिक कोस्ट हाईवे को छोड़ चुके थे और ये लोग जा रहे थे सैन गब्रियल माउंटेन्स में। जैसे ही ये दोनों लड़कियां इस बारे में इन दोनों से कहती हैं, तभी बिटेकर इन दोनों को धक्का दे देता है। जैकलीन लैम, जिसकी एज 13 साल की थी, वो स्लाइडिंग डोर को खोलने की कोशिश करती है, तभी नॉरिस आता है और उसके सर पे जोर से मारता है, जिस वजह से वो अनकॉन्शियस हो जाती है। तो मिलते हैं गाइस इस स्टोरी के पार्ट 2 में, जहां हम जानेंगे कि इस स्टोरी में आगे क्या हुआ।